नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज है 28 सितंबर और आज की डेट की जितनी भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बनती है वो सभी आज हम दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। आज की करंट अफेयर दोस्तों हमने कई सारे न्यूज़पेपर से एनालिसिस करके जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहे थे वो सभी आज हम लोग दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की करंट अफेयर में, इस करंट अफेयर में आपको टोटल हम लोग 12 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे और इसके बाद के दोस्तों जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप लोग गूगल प्लस अकाउंट पे, उसका लिंक दोस्तों मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से क्लिक करके आप लोग उन जो हमारे 5-6 क्वेश्चन है जो कि आपके राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोग दोस्तों जाके डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करके आप लोग उसको देख सकते हो। और उसी लिंक के साथ में दोस्तों आपको एक क्वेश्चन भी मिलेगा, ठीक है। तो उसका जवाब हमने आपको वहाँ पर 4 ऑप्शन प्रोवाइड करा रखे हैं कि हमारे सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं 13वें, 14वें, 15वें या 16वें, हमने वहाँ पर आपको ऑप्शन प्रोवाइड करा रखे हैं। तो आप सभी लोग वहाँ पर अपने आंसर पर क्लिक करके हमें बता सकते हो कि आपका आंसर क्या है, ठीक है। तो दोस्तों वो आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल दोस्तों बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। तो दोस्त, अगर आप लोग दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और हमेशा अगर आप टूडेट रहना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों चैनल पे बने रहिए, ठीक है। फिलहाल दोस्तों बात करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन की। भारत ने इस वर्ष एशिया का सबसे अच्छा स्टॉक मार्केट का टैग खो दिया है, अब बताइए आप लोग की शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है। तो दोस्तों करंट में जो हमारा जो शीर्ष स्थान पर जो देश है वो है न्यूजीलैंड। कौन सा देश है? वो है आपका न्यूजीलैंड। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। उपराष्ट्रपति सम्माननीय श्री एम वेंकैया नायडू जी ने स्मार्ट सिटी एक्सपो इंडिया 2018 का उद्घाटन जो है वो किस शहर में किया है? तो ये किया गया है जयपुर में। कहाँ किया गया है? जयपुर में किया गया है। तो दोस्तों साथ में ये पढ़ते चलिए, हमारे बने रहिए आप लोग अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में, ओके। फिलहाल वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। हमारे उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी ने 100 करोड़ की लागत से बने इंडियन कलिनरी इंस्टीट्यूट का उद्घाटन जो है अभी हाल ही में जो है किस राज्य में किया है? तो इन्होंने किया है आंध्र प्रदेश में। कहाँ किया है? ये किया गया है आंध्र प्रदेश में। तो इंडियन क्यूलिनरी इंस्टीट्यूट का निर्माण पर्यटन मंत्रालय ने किया है। परियोजना की अनुमानित लागत जो है वो 100 करोड़ रुपये है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे आज के फोर्थ क्वेश्चन की। देखिए क्या है, हमारे सम्माननीय श्री राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सिंह आपके जी ने 25 सितंबर 2018 को क्रिकेट कप्तान विराट कोहली और किस महिला वेटलिफ्टर को देश के शीर्ष खेल सम्मान यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, आप सभी को पता होगा, इनका नाम है मीराबाई चानू जी, ठीक है। तो राष्ट्रपति हमारे सम्माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी ने 25 सितंबर 2018 को क्रिकेट कप्तान विराट कोहली के साथ में मीराबाई चानू को, मैं जो कि आपकी महिला वेटलिफ्टर है, इनको देश के सबसे उच्च यानी कि जो शीर्ष खेल सम्मान है राजीव गांधी खेल रत्न, इससे सम्मानित किया है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे आज के फिफ्थ क्वेश्चन की। देखिए क्या है इसमें, लॉसेंट में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा में निवेश में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो यहाँ पर जो भारत का स्थान है वो है आपका 158, ठीक है। ये इस सर्वे में जो है 195 देशों का ये सर्वे हुआ था। आपको यहाँ पर हम बता दें कि जो पहले स्थान पर है वो है आपका फिनलैंड। याद रखिएगा दोस्तों, इसमें जो है पहले स्थान पर है फिनलैंड। यह दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है 2018 के वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। जो 2018 की जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया था, जो आपका फिनलैंड है यह दुनिया का सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस कंट्री है, याद रखिएगा दोस्तों। अब बात करेंगे आज के सिक्स क्वेश्चन की। देखिए सिक्स क्वेश्चन में आपके क्या है, कौन सा मेट्रो दिल्ली के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बन गया है? तो ये है दोस्तों आपका हैदराबाद मेट्रो, याद रखिएगा दोस्तों कौन सा है, हैदराबाद, ओके। अब बात करेंगे सेवेंथ क्वेश्चन की। हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने 25 सितंबर 2018 को जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा और धावक हिमा दास समेत कुल कितने एथलीटों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया? तो यहाँ पर कुल 20 अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें आपके शामिल थे जैवलिन थ्रोअर में नीरज चोपड़ा और आपकी जो धावक थी हिमा दास, तो इनके साथ में कुल 20 एथलीटों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों बात करेंगे आज के एट्थ क्वेश्चन की।
देखिए क्या है यहाँ पर, मीजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान जो है हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ आपको बातें बता देते हैं। जम्मू कश्मीर में जो आपकी झील है वो है आपकी मानसर झील, डल झील, आपकी अंचर झील, आपकी खुशाल झील, तशार झील, ये सारी जो है जम्मू कश्मीर में झील है। और जम्मू कश्मीर में नेशनल पार्क की बात करें तो है आपका आपके दचीगम नेशनल पार्क, हेमिश नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क। ये थे दोस्तों कुछ जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें और उनके नेशनल पार्क के बारे में। अब दोस्तों बात करेंगे आज के 9th क्वेश्चन की। देखिए क्या है आपका इसमें, कि अभिनेता को मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान ताइक्वांडो में डायरेक्ट की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो ये है हमारी सोनू सूद जी। तो अभिनेता सोनू सूद को मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान ताइक्वांडो में डायरेक्ट की उपाधि से सम्मानित किया गया। ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव की बात करें तो इसके महासचिव हैं श्री प्रशांत शर्मा जी, सॉरी श्री प्रभात शर्मा जी। क्या नाम है दोस्तों? श्री प्रभात शर्मा जी ने उन्हें खेल में योगदान के लिए यह सम्मान दिया है। तो किसे दिया है? ये दिया गया है सोनू सूद जी को, जो कि आपके अभिनेता हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आज के 10th क्वेश्चन की, क्या है देखते हैं। ग्वाटेमाला गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्त किया गया है श्री बी एस मुबारक जी को। तो वर्तमान में यह जो है विदेश मंत्रालय, आपके विदेश मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। वह राजीव बाबू कुरुप की जगह लेंगे जो 2015 से ग्वाटेमाला के भारत के राजदूत रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इससे पहले जो हमारे इस जगह के जो आपके ग्वाटेमाला गणराज्य है इसमें जो राजदूत थे यहाँ पर वो थे आपके राजीव बाबू कुरुप जी। अब इसके स्थान पर जो जगह ले रहे हैं ये हैं आपके बी एस मुबारक जी। और बी एस मुबारक जी इस टाइम करंट में जो है ये हमारे विदेश मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे 11th क्वेश्चन की, देखिए क्या है। पोलैंड में आयोजित हुई 13वीं अंतर्राष्ट्रीय साइलेजियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की संदीप कौर ने कितने किलोग्राम भार आपके वार वर्ग स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है? तो यह है 52 किलोग्राम। तो जो आपके पोलैंड में आयोजित हुई थी एक 13वीं अंतर्राष्ट्रीय साइलेजियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की संदीप कौर ने 52 किलोग्राम भार वर्ग स्पर्धा का स्वर्ण पदक जो है अपने नाम कर लिया है। और दोस्तों आज के इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके बाद वाले क्वेश्चन दोस्तों आपको हमारे गूगल प्लस अकाउंट यानी कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके मिल जाएंगे, जो कि दोस्तों आपके डिजिटल वाले क्वेश्चन है, वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल दोस्तों बात करते हैं 12th क्वेश्चन की। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में किस ऐप को लॉन्च किया है और यह ऐप देश में किस दिए गए स्थान पर वित्तीय सेवा टच पॉइंट का पता लगाने में आम लोगों के लिए गाइड के रूप में कार्य करेगा? तो ये है आपका ऐप जनधन दर्शक। तो ये क्या काम करेगा? ये पता लगाने में आम लोगों के लिए एक गाइड के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। तो वित्त मंत्रालय ने अभी जो लॉन्च किया है इसका नाम है जनधन दर्शक, इसको लॉन्च किया है। यह जो ऐप है देश में किसी दिए गए स्थान पर वित्तीय सेवा टच पॉइंट का पता लगाने में आम लोगों के लिए गाइड के रूप में काम करता करेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर में सिर्फ इतना ही रखते हैं दोस्तों, और इसके आगे की अगर आप लोग करंट अफेयर देखना चाहते हैं उन सभी में दोस्तों आपके जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे, जो कि आपके दोस्तों डिजिटल संचार क्षेत्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे नीतियों से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोस्तों उसको आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अभी आधार कार्ड के बारे में बताया है, ठीक है, कि इसका क्या मतलब, उसके बारे में कुछ नियम निकालें, तो आप लोग उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। और दोस्तों उसके सभी क्वेश्चन टोटल इसमें हमने आपके साथ 8 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं यहाँ पर, ठीक है, यानी कि गूगल प्लस अकाउंट पर, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक गूगल प्लस पे मैं फॉलो नहीं किया है तो फॉलो भी कर सकते हैं आप लोग। और उसके लास्ट में आपके साथ में एक क्वेश्चन मिलेगा हमारे सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी भारत के जो है कौन से नंबर पे प्रधानमंत्री हैं, 13वें, 14वें, 15वें, 16वें। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन में दिए गए, तो यहाँ से आप लोग क्लिक करके अपने ऑप्शन बता सकते हैं, ठीक है। फिलहाल दोस्तों चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल फिर एक नई करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।